राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन धार्मिक चीज़ों को दान में दें तो कैसे दें, कौन सी चीज़ें दान में दें, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। हम सभी चीज़ें दान में देते हैं, बर्तन देते हैं, कपड़े देते हैं, मिठाई वगैरह सब चीज़ें दान में देते हैं। लेकिन इस बार अगर हम धार्मिक चीज़ों को दान में दें, जैसे धार्मिक किताबें हुई, अगरबत्तियाँ हुई, ये जो मंदिर में बत्ती जलाई जाती है ये बत्ती हुई, बाल्टी, लोटा, तसला, चारा और गुड़ और बैठने के जाजम, ये अगर चीज़ें दान में दें तो इसका बहुत पुण्य धर्म लगेगा। तो आइए, मैंने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ रखी है जिसको हम दान में दे सकते हैं, मंदिरों में दान में देने हैं आपको, ये सारे सामान जो देने हैं अलग अलग मंदिरों में दान में देने हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले आपको बताती हूँ, ये कुछ मैंने धार्मिक किताबें रखी है, जैसे ये भागवत गीता है, ये भागवत श्रीमद् भागवत गीता हुई, आरती की किताब है, शिव पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत है और श्री भक्तमाल किताब है। ये सब धार्मिक किताबें हैं, ये हमें अलग अलग मंदिरों में दान में देनी है। इसके अलावा ये कुछ अगरबत्ती के पैकेट हैं, ये हम धार्मिक चीज़ों में दान में दे सकते हैं, ये अगरबत्ती के पैकेट हो गए। इसके अलावा ये मंदिरों में बैठने के लिए ये जाजम बहुत ज़रूरी होते हैं। जब हम खुद भी मंदिरों में जाते हैं तो सर्दी हुई या हमारे कपड़े अच्छे हैं तो हम इधर उधर तलाश करते हैं कि कहीं हमें ये बैठने का मिल जाए तो हम भगवान के दर्शन करें या आरती करें या पूजा करें, तो हम इन चीज़ों को तलाश करते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम मकर संक्रांति के दिन दान में दें तो बहुत पुण्य धर्म लगेगा। तो आप इस तरह से आप जाजम लेकर आएं और आप अलग अलग मंदिरों में ये आप दान में दें। उसके अलावा मंदिर में कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मंदिर में ये मोड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो अलग अलग मंदिरों में आप ये मोड़ी दान में दें। हम खुद मंदिरों में जाते हैं तो हम टीका लगाते हैं, अगर इस बार हम खुद ही ये वहाँ रख के आएँ, अलग अलग मंदिरों में ये टीका रख के आएँ तो बहुत पुण्य धर्म लगेगा। नारियल रखें, मंदिर में लोटे की ज़रूरत पड़ती है, हम शिवलिंग शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो हमें खाली हाथ अगर हम चले गए तो हम वहीं लोटा तलाश करते हैं कि हमें लोटा मिल जाए तो हम शिवलिंग पर जल चढ़ा दें। तो अब की बार हम खुद ये लोटा वहाँ मंदिर में रख के आएँ तो बहुत पुण्य धर्म लगेगा। जैसे ये नारियल है, ये नारियल रख दें वे। इसके अलावा इस तरफ के गांठें आती है जिसे हम बोलते हैं कि चंदन का टीका, तो ये चंदन की टीके की ये गांठें हैं, तो इस तरह से ये गांठें ले आएँ तो अलग अलग मंदिरों में, शिव जी के मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, अलग अलग ये गांठें रख दें। पीतल का दीपक मंदिर में रख के आएँ, घंटा हम मंदिर में दान करें मकर संक्रांति के दिन, बहुत पुण्य धर्म लगेगा। इसके अलावा हम बाल्टी भी दान में कर सकते हैं, एक गगरा है जो गगरा भी हम दान में दे सकते हैं, इस तरह से हम गुड़ दान में दे सकते हैं। हर मंदिर में अलग अलग दो दो पीस रख के आएँ तो ये और भी पुण्य धर्म लगेगा। इसके अलावा ये जो बत्तियां हैं, हम ये बत्तियां भी हम दान में दे सकते हैं मकर संक्रांति के दिन, अलग अलग मंदिरों में हम एक एक पुड़ा रख के आएँ तो इसका बहुत पुण्य धर्म लगेगा। इस तरह से आज मैंने आपको ये बताया कि आप मंदिरों में कौन कौन सी धार्मिक सामान है जिन्हें हम दान में दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बत्तियां हैं ये आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन बाज़ार में बनी बनाई मिलती हैं, आप वहां से भी खरीद के ला सकते हैं। तो ये आप ये चीज़ें दान में दे सकते हैं, बहुत पुण्य धर्म लगेगा। की बार अगर आप ये धार्मिक चीज़ें दान में देंगे तो आपको बहुत पुण्य धर्म मिलेगा। तो आज मैंने आपको ये बताया कि आप कौन कौन सी धार्मिक चीज़ें मकर संक्रांति के दिन दान में दे सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा कि आपको मदद मिलेगी कि आपकी कौन सी चीज़ें आप दान में दें, तो आप किताबें ले सकते हैं, बत्ती ले सकते हैं, इस तरह से आप ये हाथ पे बांधने की मोड़ी ले सकते हैं, चंदन का टीका ले सकते हैं, नारियल रख सकते हैं, बाल्टी, चरा, गुड़, और सबसे अच्छा तो आप इस बार अगर ये मंदिरों में रख के आएंगे तो ये बहुत पुण्य धर्म लगेगा। इस तरह से लाएँ, अगरबत्ती के पूड़े रख सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये वीडियो बना के बताया, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे की कथा कहानी और आगे के वीडियो के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें, मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।